सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू में अब दूध की नदियां बहेंगी। जी हां, पलामू में जो दूध को लेकर समस्या होती थी वो अब समाप्त हो जाएगी। दरअसल पलामू के चियांके स्थित गनके गांव में तकरीबन 50,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया जा चुका है। इस मौके पर जहां पशुपालन सह कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर के विधायक राधाकृष्ण किशोर, साथ ही साथ डाल्टनगंज के स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया की मौजूदगी में ये सामूहिक रूप से मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर जहाँ भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे, वहीं हजारों की तादाद में जो स्थानीय ग्रामीण थे वो भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को उद्घाटन में जहां मंत्री ने कहा कि पलामू में जो अब तक दूध की समस्या हुआ करती थी वो इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के स्थापित हो जाने के बाद समाप्त हो जाएगी। वहीं वैसे गौ पालक जिनको दूध के बदले सही मुआवजा नहीं मिल पाता था, सही मूल्य नहीं मिल पाता था, उनके लिए भी एक ये बड़ी राहत की खबर है कि अब उनको पूरा दाम मिल पाएगा उनके दूध का। साथ ही साथ पलामू के लोगों के समक्ष जो दूध और दही की समस्या हुआ करती थी वो भी अब इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लग जाने से समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पलामू के स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब दूध की कमी समाप्त हो जाएगी। परमंडल झारखंड का काफी पिछड़ा एरिया है और जब से इस राज्य में सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार बनी है, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, इस सरकार का सारा फोकस गांव गरीब किसान का, किस तरह से इस राज्य के किसानों का, इस देश के किसानों का, हमारे पलामू प्रमंडल के किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए रात दिन सरकार मेहनत कर रही है और धीरे धीरे अमूलचूल परिवर्तन दिखना प्रारंभ हुआ है।